नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आब समाचार विस्तार से। बीतल फागुन 10 गते काठमांडू आयल मीटर ब्याज पीढ़ी सब निरंतर आंदोलन कह रहा। नेपाल के विभिन्न स्थान से 23 दिन लगातार चल के काठमांडू आयल वो सब न्याय मंगाइल पर ओकर सब के मांग के सरकार अखन धरि सुनवाई नहीं करे छे। मीटर ब्याज पीढ़ी सब न्याय नहीं पौने कहत काठमांडू नहीं छोड़बाक आड़ में रहा है। सरकार ओकर सब के मांग संबोधन के लिए वार्ता टोली बना के वार्ता कर रहा है, मुदा दू दू बेर वार्ता भेलो पर सफल होब नहीं सकल है। काठमांडू आयल अधिकांश मीटर ब्याज पीढ़ी सब गाँव के सौ महाजन से लेने ऋण से घर बार विहीन भेल कहत सरकार संग जाली तमसुक खारिज कर मांग करते आबि रहा है। वो सब वार्ता के माध्यम से समस्या के समाधान नहीं होबाक भेला से न्याय पेबाक विश्वास हरायल सेहो बताबि रहा है। नेचुरली न्याय पाने हामी ठाउँ देखिरा छैन, अझै पनि हामीलाई आशा भरोसा लागिरहेको छैन। तर आशा अब केही नभएपछि हामीले आशा त थोरै गर्नै पर्ने बाध्यता आइरहेछ। यदि केही नभएपछि हामीले आफ्नो विकल्प खोज्नै पर्ने बाध्यता आइजान्छ। तर अहिलेसम्म हामी आशा गरेर बसिरहेछौँ। बाटामा बोलाउनु भयो, हाम्रो समितिबाट पनि साथहरू गइराख्नु भएको छ। तर जाँदा पनि त्यसभित्र पनि विभिन्न पार्टीहरूको खेलो देखा टाढो भनेर हामी बसिरहेछौँ जति सकिन्छ। तहिना सुनसरी जिला से आयल दोसर मीटर ब्याज पीड़ित बिलाल अंसारी पैदल चल के काठमांडू आयला 32 दिन भेल आ स्वास्थ्य में समस्या देखा लगला से समेत सरकार मांग सुनवाई नहीं करवाक अवस्था देखल गेल बतौलन। तहिना मीटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता शत्रुघ्न कुशवाहा सरकार मीटर ब्याज पीड़ित के मांग संबोधन कर आनाकानी कह रहा बतौलन। वो सरकार छह बुंदा के मांग संबोधन कला पर पीढ़ी सब तत्काल घर घुरबाक सेहो जानकारी दिलन। ओ पीढ़ी सब के सरकार संग बहुत बड़का मांग नहीं भेल कहत जाली तमसुक खारिज अधिक लेने पैसा फिरता लगात के मांग मात्र रहल बतौलन। तर अहिलेसम्म सरकारले हामीहरूको मांग पूरा गरेको छैन। जबसम्म हामीहरूको माग पुरा गर्दैन या त सरकार बस्छ या त हामीहरू बस्छ। समस्या छ, खानामा पनि समस्या छ, खाना पनि नराम्रो छ, होइन? काँचे भात आउँछ, सब्जी पनि काँचे आउँछ, टाइममा खाना पाउँदैन, अनि खाने पानी पनि पाउँदैन, पिसाब फिर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, दिसा पिसाबको पनि अप्ठ्यारै छ, होइन? धेरै कुरा अप्ठ्यारो छ। तब पनि सरकारले बुझिरहेको छैन हामीहरूको समस्या। जबसम्म हामीहरूको फिर्ता गर्नुपर्ने होइन, बढी पैसा दिएको चाहिँ त्यो पनि बढी पैसा लिएको फिर्ता गर्नुपर्ने। हाम्रो नेपालमा आज होइन धेरै दिनदेखि जबदेखि यो कर्जा ऋण लिएको बेलादेखि नै सुरुदेखि नै 10% होइन 10% हामी तिर्दै गरेको थियौँ। आज चाहिँ कति 38% 40% लागू गरेको छैन। प्रशासन चाहिँ उस्तै छ होइन, हाम्रो प्रशासनमा त एकदम टाइट पना हुनुपर्छ। हाम्रो जसरी कि जिल्ला प्रशासनमा पहिला अहिलेदेखि तहिना सिराहाके तिलक बहादुरके सेहो ओहने उपराग रहल छ। ओ सेहो न्याय माँगबाक लेल काठमाडौँ आयल आ न्याय नै पाबा धरि घर नै घुरबाक बताबि रहल छै। न्याय पेबाक आशा अगुवा सबके पाछा लागि कऽ आयल सेहो ओ बताबि रहल छै। तहिना कैलाली टीकापुरके लक्ष्मी शाह मीटर ब्याजी ऋणसँ घर जमीन लीलाम कयलासँ न्यायके लेल आन्दोलनमे आयल बतौलनि। 28 लाखमा किनेको भन्छ र 2 वर्ष पछाडि उसले चाहिँ 5 लाख ब्याज किन लियो फेरि किनेको भए अनि त्यही सब त्यही ऊ न्याय माग्नु आएको हामीहरू झिझाउनु कराउनुपर्छ नेताहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनि हुन्छ भनेर भनेपछि अनि जस्तो सिडिओ कार्य सिडिओ सरुवा फेरि ऊ एसपी साहेब हुनु खोजेको थियो, एसपी साहेब पनि सरुवा अब अहिले कुन चाहिँ आउनु भएको छ ताल यतातिर आइदियो। समाज यहाँ जनता चाहिँ दुःख पीडित गर्नु मास जम्मा हुनु पऱ्यो अनि उसले दुःख लागेर हेर्ला कि संविधान दिला कि भन्ने भन्नुहुन्छ नेताहरूले अनि त्यस कारणले हामीहरू पनि लैले। पीडितके माग सम्बोधनके लेल सरकारद्वारा गठित समिति आ मीटर ब्याज पीडित समूह बीचके वार्ता ठोस निष्कर्ष निकल नै सकल छै।
कैलाश महतो नेतृत्व के स्वाधीन मधेश जनअभियान शुक्र दिन से आंदोलन शुरू कयने छे। शून्य भेदभाव आ समतामूलक समाज स्थापना के लिए कहत जनअभियान आंदोलन शुरू कयने छे। पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार जनअभियान में आबद्ध अभियानी सब आए जनकपुर धाम में रैली निकालने छे। वो सब किसान कार्ड आ राशन कार्ड की व्यवस्था कैल जेबाक, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाओल जेबाक, स्थानीय तहक निर्वाचन निर्दलीय बनाओल जेबाक, प्रदेशक संख्या घटाक 3 मात्र कायम कैल जेबाक, 77 जिला के घटाक 51 बनाओल जेबाक, मधेशक सब शहर बाजार में शहीद के प्रतिमा आ शहीद पार्क स्थापना कैल जेबाक, विदेश पलायन भेल युवा सबके स्वदेशी में रोजगारी के व्यवस्था कैल जेबाक, 65 वर्ष पूरा कयने नेता सबके प्रत्यक्ष राजनीति कर प्रतिबंध लगाओल जेबाक, 2048 साल से अखन धरक संपूर्ण नेता तथा कर्मचारी के संपत्ति के छानबीन कैल जेबाक लगात के मांग रखने छे। तहिना भूमिहीन सबके अनिवार्य 10 धूर जमीन सहित घर निर्माण क देल जेबाक, सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण करत काल मुआवजा देल जेबाक लगात सेहो ओ सब मांग रखने छे। काठमांडू महानगरपालिका ज्यादती केने कहत कबाड़ व्यवसायी सब विरोध प्रदर्शन कयने छे। कबाड़ व्यवसायी ऊपर ज्यादती भेल आ अपना सबके विस्थापित कर खोजने कहत शुक्र दिन कबाड़ व्यवसायी सब विरोध प्रदर्शन कयने छे। थापा थली से निकलल जुलूस सुंधारा में पहुँच कर कौन सभा में परिणत भेल छल। ओ सब देशक नियम कानून अनुरूप हरेक नागरिक से व्यापार व्यवसाय कर पाओल जेबाक बतौलक। घर घर से काम नहीं लाग वाला कबाड़ी सामान कीन कर काठमांडू के सफा रह वाला कबाड़ व्यवसायी के सम्मान केने के बदला त्रसित आ आतंकित कैल गेल कहत वो सब आक्रोश व्यक्त कलक। अपना सबके विस्थापित कर खोजल गेल कहत एना कला पर और आंदोलन के बढ़ेबाक चेतावनी समेत वो सब दिलक। आम नागरिकक संवैधानिक हक के हनन करबाक अधिकार ककरो संग नहीं रहल से ओ सब बतौलक। कबाड़ी से ऊपर गैर कानूनी हस्तक्षेप भरल कहत ओ सब तुरंत रोक सरकार संग मांग समेत कलक। काठमांडू महानगरपालिका ओड़ा कार्यालय कबाड़ी व्यवसाय हटाव 35 दिनक सूचना जारी कला बाद ओ सब विरोध में उतरल छे। आम जनता पार्टी के अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु शाह अखन काठमांडू महानगरपालिका के आतंक बढ़ल टिप्पणी कलक। प्रतिनिधि सभा के आई के बैठक में सांसद शाह सड़क में स्वरोजगार मजदूर सब पीटल गेल कहत काठमांडू में महानगर आतंक मचा रहल बतौलक। काठमांडू में कतौ कबाड़ व्यवसाय में डोजर चलाओल गेल छै त कतौ सुकुम्बासी सब के आतंकित बनाओल गेल ओ बतौलन। महानगरपालिका ऊपर कानून लागवा कि नहीं लागवा कह के समेत ओ प्रश्न कलन। ओ महानगरपालिका नियमन कर सेहो सरकार संग आग्रह कलन। कबाड़ीहरूमाथि डोजर चलाइएको छ, कतै सुकुम्बासीहरूलाई आतंकित बनाइएको छ, महानगरपालिकामाथि कानून लाग्छ कि लाग्दैन? यदि लाग्छ भने सरकारले महानगरपालिकालाई नियमन गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। कबाडीहरू महानगरबाट नगरपालिकाबाट आतंकित छन्, असुरक्षित छन्, अनिश्चित छन्, त्रसित छन्। सभामुखज्यू, हरेक व्यक्तिले व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँछन्, संवैधानिक हक हो। त्यसको रक्षा राज्यले गर्ने कि हो कि होइन? राज्यले गर्ने हो भने केन्द्र सरकारसँग, गृह मन्त्रालयसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, ती कबाड व्यवसायीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। गैर कानूनी ढंगले कसैलाई व्यवसाय पेसाबाट वञ्चित, हरेक व्यक्तिसँग व्यापार तथा व्यवसाय कर पैबाक संवैधानिक हक रहल कहत कबाड़ व्यवसायी सबक सुरक्षा के प्रत्याभूति कर गृह मंत्रालय के ओ ध्यानाकर्षण समेत करौलन। ककरो गैर कानूनी ढंग से अपन पेशा तथा व्यवसाय से वंचित कर नहीं मिलबाक सेहो हुनक तर्क छल। प्रतिनिधि सभा के सदस्य अमरेश कुमार सिंह फुटपाथ व्यापारी सबके त्रसित नहीं कराब काठमांडू महानगरपालिका के प्रमुख बालेंद्र शाह के चेतावनी दिलन। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंह काठमांडू महानगरपालिका के प्रमुख
के घमंड बढ़ल ओ बतौलन। ओ काठमांडू मधेशक लोग के कारण से फल आ तरकारी खा पा रहा भेलो पर मधेशक लोग सब के अपमान कैल जा रहा बतौलन। ओ कर में दरता क कबाड़ी व्यवसाय संचालन कलो पर अपमान कैल गेल कहत सरकार संग असंतुष्टि व्यक्त कलन। ओ काठमांडू संघीय राजधानी भेल कहत अत संविधान प्रदत्त अधिकार के उपभोग करत सब से रहल जेबाक बतौलन। कि हर एक नेपाली लाई आफ्नो रोजगार आफ्नो जीविका र नेपालको कुनै पनि भागमा गएर बसोबास गर्न पाउने छ। कुनै काठमाडौँ स्पेशल जोन होइन, कुनै मेयरले बनाएको काठमाडौँ होइन, यो काठमाडौँ देशको राजधानी हो, संघीय राजधानी हो। यहाँ एउटा गरिब पनि बस्न पाउँछ, एउटा चेपाङ पनि बस्न पाउँछ, एउटा मुसर र दलित पनि बस्न पाउँछ र प्रधानमन्त्री पनि बस्न पाउँछ। ओ श्रमिक वर्ग के अपमान कैल गेला पर काठमांडू कोनो दिन संघर्षक मैदान बनवाक आ तहिया संघ सरकार आ महानगरपालिका के नियंत्रण में नहीं रहबाक सेहो चेतावनी देने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम, विश्राम बाद बाकी समाचार लके आब। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर आब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज कर वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावे वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावे वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी आप अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाय के लेल करावे वाला संपूर्ण काज सब के लेल काठमांडू ने जाय पड़त, अपने जनकपुर धाम में आब गेल पैराडाइज मेन पावर। जाय के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाय के घंटो लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपये खर्चा होय छले। आब काठमांडू नहीं जाय पड़ते, मेन पावर अपने सब जनकपुर के भवन प्रास में आब गेल है। एक पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिकर्मा सड़क, कॉन्टैक्ट 9801-25430, ISO 9000। की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के लगे कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाय रहल छी से बुझा के है ते *922 हच डायल क के बुझा सकै छी। ए ई तो हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाही, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छे। आई प्रीपेड के हक में मात्र लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता ल के नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू आ दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लिंगदेन संसद बैठक कर्मकांड के लिए मात्र चलाओल जा रहा कहत एकर कोनो औचित्य नहीं भेल बतौलन। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में अध्यक्ष लिंगदेन जनता के समस्या सबके ठोस समाधान करवाक सरकारक जवाब नहीं आब धरि कर्मकांड के लिए मात्र संसद चलौनाई के कोनो औचित्य नहीं भेल बतौलन। ओ मीटर ब्याज, लघु वित्त आ सहकारी पीढ़ी सबके समस्या समाधान में सरकार जिम्मेवार रहल जेबाक बतौलन। व्यवसायी के समस्या, रशियन सेना में नेपाली भर्ती भेल विषय सब संसद में उठलो पर सरकार नहीं सुनने बतौलन। ओ संसद में उठल आवाज सब सरकार नहीं सुनला पर संसद में बाजनाय के कोनो अर्थ नहीं भेल सेहो बतौलन। ओ सरकार आ राजनीतिक दल के काज की रहल कह के प्रश्न समेत कलन। दुग्ध उत्पादक कृषक सड़कमें छन्, समस्या कहाँ छैन? बैंक तथा वित्तीय समस्या को कारण र खासगरी अहिले सडकमा आउन नसक्ने, देख्दाखेरि ठूला व्यवसायीको रूपमा चिनिने, ठुल्ठूला पसल व्यवसाय भएको तर बैंक वित्तीय समस्याका कारण आज आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीहरूको कथा अलगै छ। यी विषयहरूमा सरकार समसामयिक विषय सबके जवाब देल जेबाक सेहो बतौने छलथि। नेकपा एमाले के सांसद रघुजी पंत पड़ोसी देश भारत के एक संचार माध्यम में प्रकाशित लेख से
प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के भारतक उपयुक्त पात्र के रूप में कहल गेल कहत सरकार संग जवाब मांग कलन द पायनियर कहल जाय वाला भारतीय न्यूज पोर्टल में भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता 27 फरवरी 2024 में इंडिया इज ऑन द राइट ट्रैक इन नेपाल शीर्षक के लिखित प्रधानमंत्री दाहाल के भारत के उपयुक्त पात्र के रूप में चित्रण कैल गेल बतौलन। ओ लेख में दाहाल भारत चढ़वाक लेल उपयुक्त पात्र भेल कहत कैल गेल आ पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा के सेहो भविष्य में चढ़वाक लेल उपयुक्त घोड़ा कहल गेल कहत एहि संदर्भ में परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा जवाब देल जेबाक बतौलन। द राइट ट्रैक इन नेपाल त्यो लेख पढेपछि म त रन्थनिए र सरकार त सुन्या नसुनै गरिरहेछ। सरकारले पनि त्यो लेख त पढेकै होला। त्यो लेख लेखेका हुन् अशोक मेहता जो बेला बेलामा नेपालीमा बोलेर बिबिसीमा नेपालबारे इन्टरभ्यू पनि दिइराख्छन् आफूलाई नेपाल विशेषज्ञ पनि भन्छन् भारतीय सेनाको रिटायर्ड मेजर जनरल हुन्। तिनले 27 फेब्रुअरीको पायनियरमा लेखेको लेख इन्डिया इज अन द राइट ट्र्याक इन नेपाल वास्तवमा हामी नेपालीको लागि अत्यन्त अपमानजनक र अत्यन्त आपत्तिजनक छ। ओ माओवादी केन्द्र बीतल समय में भारत संग सुरुंग युद्ध लड़वाक समेत घोषणा कने कहत अपन अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के एना कहत काल कौन सुरुंग में जाकर लुकैल कह के प्रश्न समेत कने छलेथ। ओ माओवादी सब के स्वाभिमान कत गेल कह के प्रश्न समेत कलन। सांसद पंद माओवादी सब के शरीर में गरम स्वाभिमानी खून बहल की पानि बहल कह के प्रश्न से कने छलेथ। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस के सांसद एवं पूर्व मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू कृषि मंत्री डॉक्टर बेदूराम खनाल के खोजी कलन। शुक्र दिन प्रतिनिधिसभा के बैठक में ओ किसान मूल्य नहीं पाबि के दूध सड़क में फेंक रहलो पर किछ कर नहीं सकल कहत अ के विषय में संसद में तत्काल जवाब देव कृषि मंत्री भूसाल संग मांग कलन। ओ मीटर ब्याज पीढ़ी सबके समस्या तत्काल समाधान कर से सरकार के दबाव दिलन। कानून निर्माण क चुकलो पर सरकार मीटर ब्याज पीढ़ी के समस्या समाधान कर नहीं सकल में सांसद बड़ू के आपत्ति छल। ओ दूध किसान आ मीटर ब्याज पीढ़ी सबके समस्या समाधान के लिए भ रहल कार्य के विषय में तत्काल संसद के जानकारी कराब समेत सरकार के सचेत करौलन। मूल्यांकन को कानूनी व्यवस्था भइसके पछि अब विकास निर्माण का कार्यहरूको छनौट प्रक्रिया यसको कार्यान्वयनको चरण र यसको सम्पन्न भइसकेपछि गर्ने मूल्यांकन समेतलाई यसमा व्यवस्थित गरिएको छ र यसको सकारात्मक पक्ष अर्को के पनि हो भने यसलाई सरकारी पक्षबाट मात्रै नभएर थर्ड पार्टी मूल्यांकनको पनि यसमा व्यवस्था गरिएको छ। यो अझ उपयुक्त छ र ये स्वतंत्र ढंगले कानून में कोनो त्रुटि भेला पर तत्काल सुधार कर सरकारक ओ ध्यानाकर्षण करौलन। सभामुख देवराज घिमरे संसद बैठक में सांसद सब उठौने विभिन्न समसामयिक विषय सब के जवाब अगला फागुन 21 गते बैसा वाला बैठक में देव सरकार के रूलिंग कलन। शुक्र दिन बैसल प्रतिनिधिसभा के बैठक में प्रतिपक्षी दल MLA आ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी प्रधानमंत्री द्वारा बाल कुमारी घटना में दोषी करार मंत्री के राजीनामा नहीं मांगल गेल आ प्रधानमंत्री सेहो संसद में आबि के कोनो जवाब नहीं देने कहत बैठक अवरोध के प्रयास कने छल। तहिना मीटर ब्याज लघुवित्त आ सहकारी पीढ़ी सबके समस्या समाधान में जिम्मेवार नहीं भेल रूसी सेना में नेपाली भर्ती भेल विषय लगात में प्रतिपक्षी दल सब बेर बेर सरकार के प्रश्न पूछला पर उत्तर नहीं पौने कहत आंदोलन जारी रहल बतौने छल। लगले सभामुख घिमरे अपना आइस पहिने के बैठक में सेहो सरकार के बैठक में उपस्थित भ क जवाब देव निर्देशन द चुकल बतौने छलथ। ओ सभा के फागुन 21 गते बैठे वाला बैठक में समसामयिक विषय सबके संदर्भ में जवाब देव सरकार के रूलिंग कलन। अनुरोध करछु माननीय सदस्यहरू मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको विषयका सम्बन्धमा यसअघिका बैठकहरूमा सरकारलाई बैठकमा उपस्थित भई जवाफ दिने स्पष्ट निर्देशन गरिसकिएको बेहोरा म जानकारी गराउँदछु। म यसलाई फेरि भन्दछु मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको विषयको सम्बन्धमा यसअघिका बैठकहरूमा सरकारलाई बैठकमा उपस्थित भई
जवाब दिन स्पष्ट निर्देशन गरिसकेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरूले आजको बैठकमा पनि विभिन्न विषयहरूका सम्बन्धमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै जवाफको माग गर्नुभएको छ। आज र यस अघि उठेका विषयहरूमा सभाको मिति 2080 साल फागुन 21 गते बस्ने बैठकमा उपस्थित भई जवाफ दिन नेपाल सरकारलाई म निर्देश गर्दछु। सभा मुख्य रुलिङ सँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज रूपमै चलल छल। आप व्यावसायिक विश्रामवास समाचार में स्वागत है। चितवन स्थित एक विद्यालय के छात्रावास में एक बालिका के मृत्यु भेला बाद प्रधान अध्यापक सहित तीन गोटे के प्रहरी पकड़ने छे। बीतल सही दिन भिनसर रत्न नगर नगर पालिका वडा नंबर 15 माधवपुर घर भ वडा नंबर 10 एकता शिशु निकेतन बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में रहते आयल 14 वर्षक शालीन पोखरल के मृत्यु भेल छल। ओकर मृत्यु भेला बाद जान संबंधी कसूर में प्रहरी तीन गोटे के पकड़ने छे। प्रहरी वड़ा नंबर 10 के 60 वर्षक बाल हरिदेव कोटा, 40 वर्षक किरण बहादुर अधिकारी आ 48 वर्षक कमल शर्मा पौड़ेल के मंगल दिन पकड़ने छल। बाल हरि स्कूल के प्रधान अध्यापक, किरण बहादुर सह प्रधान अध्यापक आ कमल हॉस्टल के वार्डन रहल छे। शालीन के मृत्यु भेला बाद परिवारजन तीन गोटे विरुद्ध किटानी जाहिरी देने छल। प्रहरी एहि घटना में अनुसंधान जारी रहल आ पोस्टमार्टम के रिपोर्ट बाद घटना के विषय में और बताओल जा सकबाक जानकारी दिलक अछि। सब के पोस्टमार्टम के लेल काठमांडू स्थित महाराजगंज टीचिंग अस्पताल में पहुँचाओल गेल छे। पोस्टमार्टम सेहो भ चुकल प्रहरी जानकारी दिलक अछि, यद्यपि रिपोर्ट आब बाकी रहल छे। हुनक अनुसार बीतल शनि दिन बालिका हॉस्टल के कोठा में रहल सीलिंग के पंखा में के डोरी में लटकल अवस्था में मृत भेटल छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल वर्तमान सरकार सुशासन सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि के लेल नया काज कर रहल दावी कयलनि अछि। शुक्र दिन चितवन में भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 उद्घाटन समारोह में ओ एना बतौलनि। ओ अपना सरकारक नेतृत्व कैला एक वर्ष पूरा कऽ कऽ आगा बढ़ैत काल सुशासन सामाजिक न्याय आ आर्थिक समृद्धि के लेल नया काज कयने जनता देखने बतौलनि। ओ पुरान नेता सब कयने नीक काज के सेहो नया नेतृत्व, पुरान प्रधानमंत्री के नीक काज के नया प्रधानमंत्री द्वारा, अखन के प्रधानमंत्री के नीक काज के हो वाला प्रधानमंत्री व नेता सब द्वारा समर्थन आ प्रशंसा करबाक दिन अयला पर नया संस्कार के शुरुआत हेबाक दावी कयलनि। र यस समारोहको प्रमुख अतिथिको रूपमा मैले यसको समुद्घाटन गर्ने अवसर पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। चितवनको जनप्रतिनिधिको हैसियतले अघिल्लो कार्यकालमा यहाँको विकास र समृद्धिको निम्ति मैले पनि विभिन्न रूपमा सहयोग गर्ने, योगदान गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। अहिले त्यसले निरन्तरता मात्रै होइन, नयाँ उचाइ हासिल गर्दै गएको सन्दर्भ पनि छ। म प्रधानमन्त्री दाहाल पछिल्ला 7 वर्षक अवधिमा भरतपुर महानगरपालिका विकासके मोडेलमा पूरा देश के नेतृत्व कर रहल कहित एक दशक पहिन का भरतपुर आ वर्तमान के भरतपुर में आम जनु समुदाय गुणात्मक परिवर्तन के अनुभूति कयने दावी कयलनि। घुमल जाए भरतपुर कहल नारा के साथ आइ स भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 शुरू भेल छे। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा गठबंधन के सरकार के निरंतरता कायम रहबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन चितवन में भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 के उद्घाटन समारोह में ओ अखन के गठबंधन के सरकार रहल आ ई सरकार निरंतरता रहबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। ओ देशक अर्थतंत्र के विकास में पर्यटन महत्वपूर्ण क्षेत्र भेला सँ एहि में ध्यान देब आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। ओ पर्यटन विकास के लेल निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण भूमिका रहल कहित निजी क्षेत्र संघ के सहकार्य बिना पर्यटन विकास हुआ नहीं सकबाक बतौलनि। ओ भरतपुर महानगरपालिका प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न स्थान भेल सेहो बतौलनि। पर्यटन के विकास के लागि पर्याप्त पूर्वाधार प्राकृतिक सुंदर जैविक स्वच्छ वातावरण पर्यटक
सभापति यदि वा अगला दिन में चितवन पर्यटक सबके लेल और महत्वपूर्ण हेबाक में विश्वस्त रहल सो बतौने छलथि। आब खेल समाचार। जारी त्रिदेशीय T20 श्रृंखला में नेपाल नामीबिया ऊपर 3 रन के रोमांचक जीत निकालक अछि। नेपाल 3 देश सम्मिलित श्रृंखला में पहले 2 खेल गुमौने छल। तेसर खेल में रोमांचक जीत निकालत नेपाल श्रृंखला के फाइनल खेलबाक संभावना कायम राखने छे। आब नेपाल अंतिम खेल शनि के नेदरलैंड संग खेलत। ई खेल में जीत निकालला पर नेपालक फाइनल संभावना मजबूत हैत। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान में नेपाल देने 181 रन के लक्ष्य पछियोने नामीबिया निर्धारित ओवर में 7 विकेट के क्षति में 177 रन मात्र बनाव सकल। नेपाल के बॉलिंग में सोमपाल कामी दीपेंद्र सिंह आ करण समान 2-2 विकेट लेने छल। अविनाश के नाम में 1 विकेट रहल छल। ऐसे पहिने टॉस जीत कर पहिने बैटिंग केने नेपाल कुशल मल्ल गुलशन झा आरिफ शेख अनिल शाह लगायत के सहयोग में 8 विकेट के क्षति में 180 रन के योगफल बनौने छल। कप्तान रोहित सेहो 10 रन में पेवेलियन घुरल छल। ओपनर अनिल 23 रन बनौने छल। ओहि संगे 6.6 ओवर में 58 रन जुड़ला पर 3 बैटर पेवेलियन घुरल छल। मुदा एकर बाद के बैटर सब 7 पोला से नेपाल नीक योगफल बनाब सफल रहल। कुशल मल्ल 55 रन में नॉट आउट रहला पर आरिफ शेख 31 रन गुलशन झा 26 रन आ दीपेंद्र सिंह 16 रन बनौने छल। कुशल 37 बल में 4 छक्का 1 चौका प्रहार कयने छल। कुशल आ आरिफ बीच 5 विकेट के लेल 85 रन के साझेदारी बनल छल। ई साझेदारी नेपाल के इनिंग आगा बढ़ाब मदद कयने छल। ऐसे पहिने नेपाल नामीबिया संग 20 आ नेदरलैंड संग 2 रन से पराजय बिहोरने छल। नामीबिया नेदरलैंड संग 59 रन से पराजित भेल छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश के ढाका स्थित एक भवन में अगलगी भेला से 45 गोटे के मृत्यु भेल छे। बृहस्पति दिन 6 मंजिला भवन में अगलगी भेला से बहुत जनधन के क्षति भेल छे। भवन में रहल बिरयानी रेस्टोरेंट में गैस लीक भ कर शुरू भेल अगलगी किछ बेर में भवन भरि पसरल छल और 22 गोटे गंभीर घायल भेल छे। ओकर सबके ढाका मेडिकल कॉलेज में इलाज भ रहल छे। 13 टा दमकल के प्रयास पर 2 घंटा लगा कर आग पर काबू पाओल गेल छल। घटना के अनुसंधान कर बांग्लादेश सरकार 5 सदस्यीय छानबीन समिति सेहो बनौने छै। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।